सबसे पहले आपको अपना एमएस वर्ड ओपन कर लेना है। यहाँ से एक न्यू पेज लेंगे। ओपन करने के बाद देखिए सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब पे, एंड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ चार्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इंसर्ट चार्ट ओपन हो चुका है, और इसमें देखिए बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे यानी कि चार्ट देखे स्टाइल, देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल हैं, आप इसमें से कोई भी स्टाइल को ले सकते हैं। देखिए बहुत सारे स्टाइल यहाँ पर दिए गए हैं। उस पर देखिए यहाँ पे लाइन है, नीचे में लाइन पे क्लिक करें, लाइन टॉपिक पे दिखा रहा है बहुत सारे स्टाइल हैं, एंड पाइप पे दिया गया है बहुत सारे स्टाइल हैं, एंड इसी प्रकार देखिए बार का है एंड एरिया का है, तो सभी टॉप टाइप के जो है यहाँ पर स्टाइल जो है सो दिए गए, तो आप इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें कॉलम यूज कर लेते हैं। तो जैसे अगर जैसे मान लीजिए आप किसी भी यानी कि किसी कंपनी में या कहीं भी अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें अगर कोई व्यक्ति जो है सो मतलब पहले महीना में कितना कोई भी चीज़ को सेल किया है, सेकेंड मंथ में कितना सेल किया, थर्ड मंथ में कितना सेल किया, तो आप उसका एक चार्ट बना सकते हैं, डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसमें से कोई भी चार्ट को लेते हैं एंड ओके पे देखिए नीचे में लिखा हुआ है, ओके पे क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आपका एक फाइल खुलता है इस प्रकार से, देखिए आपका इस प्रकार फाइल खुलता है। ये जो है सो ये जो पेज जो है सो एक प्रकार मतलब चार्ट से एक लिंक रहता है, तो आपको जैसे इसी में डाटा को भरना पड़ता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, देखिए यहाँ पे भी नीचे में दिया हुआ सभी का अलग देखिए लेवल्स हैं, आप ये लेवल सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसमें लेवल सेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट यानी कि इसमें आप कुछ भी टाइप कर लीजिएगा, इसमें चलिए किसी का नाम टाइप कर लेते हैं, जैसे इसमें हम लिख दिए राम, सेकंड में अनिल, थर्ड में टाइप कर लेते हैं अनिकेत, एंड फोर्थ में टाइप कर लेते हैं मनु, ठीक है। अब ऊपर में आप टाइप कर दीजिएगा जनवरी, एंड सेकेंड में टेल दबा सकते हैं फरवरी, एंड थर्ड में मार्च, इस प्रकार टाइप करने से उसके बाद नीचे आएंगे। अब देखिए राम जो है सो फर्स्ट मंथ में कितना मतलब सेलिंग किया है वो आप दे सकते हैं, तो मान लीजिए फर्स्ट मंथ में वो 600 रुपया सेल किया, लिखे आ गया लाइन लिखी दिखा रहा है, सेकेंड मंथ में वो यानी कि 1000 रुपया सेल किया, एंड थर्ड मंथ में वो 500 रुपया सेल किया। देखिए इस प्रकार से लेवल शो करते हैं। अब देखिए अनिल के, तो इसी प्रकार आप सभी का देखिए ले सकते हैं, ठीक है। तो इतने में कि फर्स्ट मंथ में 800, सेकेंड मंथ में 1100 या फिर 1000, आप इसमें कोई भी टॉपिक पे यानी कि यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 650, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी में जो है सो भर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फिर इसको फिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार देखिए भर के आप यहाँ से क्लोज कर देंगे साइड में। तो देखिए आपका डाटा जो है तैयार, देखिए राम का दिखा रहा है, एंड सेकंड अनिल का, अनिकेत और मनु का दिखा रहा है। देखिए इस प्रकार से आप किसी को और कि साइड से कॉर्नर से आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइड में एड चार्ट एलिमेंट है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, आपको क्या चीज़ ऐड करना है, जैसे प्राइमरी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, तो आप देखिए इसमें देखिए सेट कर सकते हैं, एंड एरिक्स टाइटल में आप ये सब चीज़ सेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है डाटा लेवल, तो आपको जैसे सेंटर में रखना है, सेंटर में देखिए यहाँ पे शो कर रहा है इसमें कितने यानी कि सेलिंग किए हैं किस मंथ में, एंड देखिए इनसाइड एंड यहाँ पे बेसिस रख सकते हैं, आउटसाइड में रख सकते हैं, एंड डाटा कलेक्शन में रख सकते हैं, इस प्रकार से भी आपको जैसे देखिए शो करेगा। तो ये सभी होते हैं, देखिए इस प्रकार से शो कर देगा, एंड बहुत सारे और भी देखिए डिज़ाइंस होते हैं जो आप इसमें लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर चेंज आइकन देखिए दिखा रहा है चेंज कलर, तो यहाँ से आप कलर जो है सो इसकी किसी भी लेवल का जो है सो चेंज कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स हैं, आप इसमें कोई भी लेवल्स ले सकते हैं, कोई भी कलर्स ले सकते हैं। देखिए बहुत सारे कलर्स दिए गए हैं, यानी यहाँ देखिए यहाँ से भी बहुत सारे स्टाइल देखिए चेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ से देखिए जिस पर क्लिक करेंगे देखिए उस प्रकार से स्टाइल जैसे यहाँ पे शो करने लगेंगे, तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, सभी स्टाइल से शो करेंगे। एंड देन उसको देखिए सेलेक्ट डाटा आते हैं, यहाँ सब सेलेक्ट करके आप फिर से आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे दिए गए हैं, एडिट कर सकते हैं, इनके साइड में भी दिए गए हैं एडिट डाटा, तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी आप कर सकते हैं। चेंज चार्ट टाइप यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए आप फिर से आप चेंज कर सकते हैं। इसे पाई पे क्लिक करेंगे, पाई पे क्लिक करने के बाद आप ओके पर क्लिक करें, पर देखिए चेंज टाइप देखिए चेंज हो जाएगा चार्ट का डिज़ाइन। तो यहाँ से आप अलग अलग देखिए डिज़ाइन में आप ले सकते हैं इसको, और कलर जैसे यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये सब होते हैं, आप कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना सकते हैं, अलग टॉपिक से डाल सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से डिज़ाइन जो देखिए यहाँ पे कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें जो होते हैं आप इसमें चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, अगले वीडियो में मिलेगा कि मतलब आप लोग को यानी कि इसमें ये जो हाइपर लिंक बुक मार्क्स ये सब क्या होते हैं इसके बारे में बताएंगे। ओके बाय।